सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन कैसे होती है? देखो, हमने अभी अलग अलग स्टडी किया पी टाइप को और एन टाइप को। हम क्या करने वाले हैं, अब इम्पॉर्टेंट है, हम एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को लेंगे और इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा कैसे करना है? ऐसे नहीं करना पी टाइप एन टाइप इकट्ठा कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। आप एक प्योर सेमीकंडक्टर लें, जैसे सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर है, उसके लेफ्ट पोर्शन में डोपिंग कर दें पी टाइप डोपेंट के साथ और राइट की तरफ डोपिंग कर दें एन टाइप के साथ। तो उसमें क्या हो रहा है, आप उसके अंदर एटम निकाल रहे हैं कुछ और उसकी बदले में डोपेंट डाल रहे हैं। तो पीस तो एक ही था, पर लेफ्ट साइड पे क्या क्रिएट हो गया पी टाइप, राइट साइड पे क्या क्रिएट हो गया एन टाइप, ऐसा कुछ। क्लियर है? तो ऐसा दो पीसेस को जोड़ना नहीं है बेसिकली। ठीक, क्लियर है यहां तक? तो इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमने एन और पी टाइप का एक कॉम्बिनेशन लिया। अब स्टार्टिंग में प्रोसेस देखना क्या होगा, इसमें शुरू शुरू में क्या होगा, जब आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे तो जैसे सपोज ये आपने लिया पी और ये लिया एन, इसके पास मेजोरिटी कैरियर्स कौन है, होल्स। इसके पास मेजोरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। राइट, क्लियर है? तो शुरू शुरू में क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको बनाया तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं, होल्स पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन की तरफ मूव करेंगे और ये रिकम्बाइन होंगे। जब मैं ये बोलता हूं इस चैप्टर में कि होल्स मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बॉन्ड टूट रहे हैं और होल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बैठ रहे हैं, इसलिए होल्स पीछे चले जा रहे हैं। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स ही इधर मूव कर रहे हैं जिस वजह से होल इधर जा रहा है, पर हम हर बार इतनी डीप में समझ नहीं सकते ना, इलेक्ट्रॉन इधर बैठा तो होल इधर आ गया। तो हम सीधा इस चैप्टर में बोलते हैं होल स्टार्ट मूविंग, तो मतलब पता ही है कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बैठा होगा तभी होल इधर आया। तो इसके अंदर होल्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो जंक्शन की तरफ क्या होता है, ये रिकम्बाइन होते हैं। जब ये रिकम्बाइन होते हैं यहाँ पे, तो सोचो क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ से आए, मेजोरिटी कैरियर, इसमें डोपिंग हो रखी है ना, एक ऐसा एटम डाल रखा है जो पेंटावेलेंट है, और पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर कौन है, होल्स, इसमें डोपिंग हो रखी है ट्राइवेलेंट के साथ, ये हमें पता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे सपोज करो मैं मान लो ये पी टाइप का है और मैं एन टाइप का हूँ, ठीक है, सेमी कंडक्टर, ये मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ पी टाइप से, ये आ रहा है एन टाइप से। अब अगर मैं पी टाइप से आ रहा हूँ तो इसका मतलब कि मेरे अंदर जो डोपेंट है वो ₹3 वाला है, ₹3 बताया था ना मैंने आपको, तीन इलेक्ट्रॉन्स वाला है। तो लेकिन मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है, मेरे पास तीन ही होते हैं तो मैं तीन ही हूँ, तो मैं न्यूट्रल हूँ। ये ₹5 वाला है क्योंकि इसके पास एन टाइप है, इसके पास एक एटम ऐसा पड़ा हुआ है जो कि 5 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है। हम दोनों जंक्शन में मिल गए, है ना, हम दोनों जंक्शन पे हैं, तो मैंने इसे कहा यार देख ₹3 है मेरे पास, ₹1 दे दे। तो इसने कहा ठीक है, मेरे पास भी ₹1 फालतू है, काम करो आप ₹1 रख लो। तो मैंने इसका ₹1 ले लिया। अब जैसे ही मैंने ₹1 लिया तो मेरे तो 4 हो गए, इसके पास भी 4 हो गए। अब जब मैं हूँ तो ₹3 वाला ना, वैकेंसी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, तो पर आज मेरे पास 4 हैं, तो मेरे ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते मैं न्यूट्रल हूँ, अब मैं नेगेटिव हूँ। और ये ₹5 वाला है, इसने ₹1 मुझे दे दिया, अब ये क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया इसके ऊपर, जबकि हम पहले न्यूट्रल थे। तो पहले न्यूट्रल थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होता है किसी भी एटम का, ऑब्वियसली ₹3 ₹5 वालों ने कंबाइन कॉम्बिनेशन किया होगा, सिलिकॉन सिलिकॉन ने तो कुछ किया ही नहीं होगा, क्योंकि सिलिकॉन तो पहले ₹4 वाला है, दूसरा सिलिकॉन 4, तो एक्सचेंज क्या करेगा, कुछ भी नहीं। कौन करेगा, ये डोपेंट्स करेंगे। तो डोपेंट ने अपने इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन किए, जैसे कंबाइन किए तो पी टाइप की तरफ ₹3 वाले पड़े हुए थे, इनके पास एक्सेस हो गया, तो यहां पर ऑटोमेटिकली इन एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। जैसे जैसे कॉम्बिनेशन होता गया, पी टाइप ₹3 वाले हैं, इनको ₹1 मिलता गया, तो ये नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। और एन टाइप में फालतू इलेक्ट्रॉन था, 5 वाले थे ये, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो खुद क्या हो गए, डेफिशिएंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये डेफिशिएंट हो गए।
तो शुरू शुरू में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होते गए और यहाँ से डेफिशिएंट होते गए, यहाँ से एक्सेस होता गया, और इलेक्ट्रॉन और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ये अकुमुलेट होना स्टार्ट हो गया, ये एटम इकट्ठे होने स्टार्ट हुए जंक्शन के पास। अब ये क्या कह रहे हैं, ये सारे एटम, ये एटम के अंदर है सब कुछ, तो एटम क्या कह रहे हैं, अब ये जो एटम्स हैं वो कह रहे हैं हम एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स में हैं, और ये एटम क्या कह रहे हैं हम डेफिशिएंट हैं इलेक्ट्रॉन्स में। अब हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉन होल ये क्या करते गए, शेयर करते गए, कंबाइन करते गए, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, इधर से और इलेक्ट्रॉन और इधर से और होल आए कि चलो अब हम भी कंबाइन होते हैं। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, ये जो नेगेटिव चार्ज एटम अंदर पड़े हुए हैं जिन्होंने एक दीवार इकट्ठी बना ली है नेगेटिव चार्ज की, ये कहते हैं अब मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने नहीं दूंगा, रिपेल करेंगे ना। शुरू शुरू में तो जो आ गया चला गया, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई रुकावट ही नहीं थी, लेकिन जब डिपॉजिट होने स्टार्ट हो गए, जब डिफिशियंसी और एक्सेस एटम इकट्ठे हो गए, तो क्या हुआ, अब और इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्रॉस नहीं करने देगा और ऐसी होल होल को क्रॉस नहीं करने देगा। तो इसका मतलब अब इस रीजन को कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा, ना कोई इलेक्ट्रॉन कर पा रहा है, ना इधर से कोई होल कर पा रहा है। ये रीजन जिसको कोई, जो बीच का रीजन जंक्शन के क्रॉस जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन और होल की मूवमेंट नहीं है, इस रीजन का नाम होता है डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन है या डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन का मतलब डिप्लीट है, कुछ नहीं है यहाँ पे अब। तो शुरू शुरू में जो चला गया कंबाइन हो गया हो गया, अब कोई कंबाइन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन वहीं रह गए जो बचे हुए रह गए और होल्स यहाँ पे रह गए, क्लियर है। तो इन एटम्स ने जो यहाँ अकुमुलेट हुए चार्जेस, यहाँ पे इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर लिया, और जिसका नाम है वीबी। वीबी इसलिए क्योंकि ये बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, अब ये बैरियर लगा के बैठ गए कि और इलेक्ट्रॉन होल को क्रॉस नहीं करने देंगे, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या है, बैरियर पोटेंशियल, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या है, बैरियर पोटेंशियल, और फर्दर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स को क्रॉस नहीं करने देगा, ठीक है। तो एक टर्म याद करनी है डिप्लीशन लेयर, एक है इसमें बैरियर पोटेंशियल, और अदर ये भी बोल सकते हो अंदर ही अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लिया, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन एंड होल्स को क्रॉस करने से रोकता है, ठीक है यहां तक। तो ये फॉर्मेशन ऑफ पी एन रीजन है, तो यही इसमें बता रखा है, व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको पी एन जंक्शन बोलते हैं, या पी एन क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं, डायोड का डायोड भी इसे बोलते हैं, पी एन जंक्शन या पी एन डायोड एक ही बात है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, डिप्लीशन लेयर और इसके बारे में डिस्कशन करने को आ सकता है। तो मैंने डायग्राम समझा दी आपको, इसने बैटरी, वर्चुअल बैटरी बना दी, मैंने आपको कहा वी वी बैरियर पोटेंशियल है, इसने कहा कि बैटरी की तरह काम कर रहा है, बैटरी वूटरी कुछ नहीं है, तो मन में सोच रहे हैं, बस ये बता रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है वी वी डिप्लीशन लेयर में। तो इसके अंदर ये एक्सप्लेन्ड है, ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स है इन टू सेक्शन, कह रहे डिफरेंट ऑफ कंसनट्रेशन है, किसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी में ज्यादा होल्स हैं दोनों रीजन में, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन इन टू पी रीजन, तो इलेक्ट्रॉन एन रीजन के पी रीजन में एंटर करने की कोशिश करते हैं, और होल्स पी रीजन के डिफ्यूज होते हैं एन रीजन में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। सिंस होल वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूजेस इनटू द पी रीजन, जब कोई इलेक्ट्रॉन पी रीजन में एंटर करता है, इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन होल को क्या कर देता है, उसके अंदर गिर जाता है, इट कंप्लीट्स द कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, तो इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक। द अकुमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटीज इन टू रीजन ऑफ जंक्शन गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द रीजन, तो याद है मैंने बताया भी, अकुमुलेट हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, और जो अकुमुलेशन है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर देता है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेज विद माइग्रेशन ऑफ मोर चार्ज कैरियर्स, तो क्या कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स माइग्रेट करते जाएंगे जंक्शन की तरफ। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेज फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड होल्स फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, कह रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया अच्छा खासा, अब वो रोक रहा है कि एन रीजन के इलेक्ट्रॉन जो है पी रीजन में एंटर ना करें और होल्स पी से एन में एंटर ना करें, तो सब वहीं के वहीं रह गए। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स अ पोटेंशियल बैरियर वीबी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डेवलप कर देगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में इसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं,
विच अपोजेस फर्दर डिफ्यूजन ऑफ फ्री चार्ज कैरियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये और क्या करेगा, फ्लो से रोकेगा, मूवमेंट से रोक देगा. द रीजन इज क्रिएटेड विच इज डिवॉइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, तो बीच में एक रीजन क्रिएट हो गया इन विच फ्री चार्ज कैरियर्स आर, जो है कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है वहां पे प्रेजेंट, उस लेयर को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं. ठीक है यहां तक. अब वो कह रहा है कि इसके अंदर अगर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रॉस तो कर नहीं पा रहे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आप चाहते हैं कि वो जंक्शन को क्रॉस करे, अब अपने आप नहीं कर पाएगा, आपको बाहर से बैटरी लगानी पड़ेगी और उसको एनर्जी देनी पड़ेगी या पोटेंशियल देना पड़ेगा ताकि वो उसको क्रॉस कर पाए. अपने आप नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कर सकते हो बैटरी लगा के. तो अगर आपके पास कोई ई इलेक्ट्रॉन है, उसको आप, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, वी बी, मान लो वी बी 10 वोल्ट डेवलप हो गया, अगर 10 वोल्ट डेवलप हो गया तो आपको कम से कम इलेक्ट्रॉन ई इंटू 10 वोल्ट बाहर से देना पड़ेगा एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ताकि रीजन को क्रॉस किया जा सके. तो वो ये बता रहा है कि एक्सटर्नल दोगे तो करेगा, अपने आप तो ये नहीं करेगा. और पी एन जंक्शन का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमने तो डायग्राम कैसे किया, हमने तो डायग्राम ये किया, लेकिन इसकी जगह आज के बाद हम ये ड्रॉ करेंगे, ये एक ट्राइंगल और एक लाइन, बस ये है पी और ये है एन, एक ही बात है. तो ये सिंबल है पी एन जंक्शन या पी एन डायोड, एक ही बात है सिंबल. आज के बाद इतना बड़ा डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा, आज के बाद फिर ये ड्रॉ होगा, इसमें इसमें कोई फर्क नहीं. क्लियर है इसका सिंबल, क्लियर है. पी एन जंक्शन को शॉर्ट में ऐसे बनाते हैं, ठीक. तो पी एन जंक्शन या पी एन डायोड का ये सिंबल है, मतलब पी को ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और लाइन से एन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक. तो ठीक है.